भागलपुर जिले के नवगछा थाना क्षेत्र के पकरा से देर रात नवगछा पुलिस ने संजीव जायसवाल के घर छापेमारी कर 5 किलो गांजा के साथ संजीव को गिरफ्तार किया है। नवगछा थाना प्रभारी भारत भूषण ने बताया कि विशेष समकालीन अभियान के तहत सूचना मिली थी कि पकरा के संजीव जायसवाल द्वारा अवैध गांजा तस्कर किया जाता है, जिसके बाद नवगछा थाने के अजीत कुमार और सुदीप कुमार को भेजा गया था। संजीव जायसवाल के यहाँ छापेमारी के क्रम में उसके छत पर लकड़ी के डब्बे में 2 सरसों तेल के डिब्बे में रखे 5 किलो गांजा बरामद किया गया है। वही एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। इसके विश्लेषण से कांड में संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि संजीव जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गांजा की तस्करी कहां होती थी और किसको दिया जाता था उसका भी पता लगाया जा रहा है। दिनांक 13-14 की रात्रि विशेष समकालीन अभियान के तहत थाना से कुंवरी अजीत कुमार और सॉरी सिद्धि कुमार छापामारी में प्रस्थान किए थे। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पकड़ा ग्राम में संजीव जायसवाल के द्वारा अवैध गांजा का तस्करी कर अवैध धंधा किया गया। इस सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया। उनके निर्देश के आलोक में ही संजीव जायसवाल के घर पर छापामारी किया गया। घर की तलाशी लेने पर उनके छत पर रखा गया लकड़ी में छुपा कर रखा गया 2 सरसों के तेल का डब्बा में करीब 5 केजी गांजा बरामद होता है। संजीव जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके पास एक मोबाइल बरामद हुआ है, जिसका विश्लेषण कर अन्य इस कांड में अन्य लोग की भूमिका शामिल होती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। किस दुकान से लाया था, इसका लिंक क्या है, सबकी कब से वो क्या करता है, अभी पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में जो भी ठोस साक्ष प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कारोबारी है या कारोबारी है, कारोबारी करते हैं।